ये भाई साहब यहाँ पे सारी चीजें बिखरा रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे नीचे फेंका जा रहा है और मैंने कुछ सामान ऊपर उठा के रख दिया है जो भी यहाँ था, तो इसी तरह से रुके हुए हैं। और मैं बना रही हूँ कटहल, यहाँ पे मैंने प्याज ऑलरेडी फ्राई हो रहा है हमारा, और इधर कटहल काट के मैंने साफ करके रख लिया और मसाला भी घोल दिया है। और ये यहाँ पे चीजें फेंक रहे, मैंने इनको पकड़ रखा है, इनको बैठा रखा है, तो इस तरह से मेरा डिनर बन रहा है। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हो गया है ना, हाँ कुछ नया हो गया है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह हो गई है और मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी, और बाबू भी सो रहा है तो फटाफट से मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ। तो दूध में मैंने चीनी ऑलरेडी डाल दी है, अभी मैं इसमें कॉफ़ी डाल देती हूँ। और सुबह उठी थी मैं 7 बजे, बाहर कूड़ा निकाल के रखा, उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगाया, ऐसे ही धीरे धीरे काम करती जा रही थी, बाबू को भी देखती जा रही थी। तो इस तरह से सुबह के काम भी हो गए मेरे, पानी वगैरह सब कुछ भर लिया। तो अभी मेरा कॉफ़ी पीने का मन है, सिर्फ चाय पीने का मन नहीं हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर अपने लिए कॉफ़ी बनाई है। तो अभी मैं कॉफ़ी पीऊँगी, और कुछ भी मेरा खाने का मन नहीं है, तो सिर्फ कॉफ़ी ही पीने जा रही हूँ। मौसम ना बहुत ही ख़राब हो गया है, मौसम ना बहुत ही अच्छा हो गया है, ख़राब नहीं हुआ है। बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं, एकदम मस्त, बादल भी गरज रहे हैं, आसमान बिल्कुल। ये अथर्व, को चीजें फेंकना आपको, ये देखो नहावा के रेडी होके कौन यहाँ पे खिड़की हिला रहा है, अथर्व बाहुबली बन रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, हा हा बाबू, अथर्व इस साइड से देखो, इधर से, इधर से। तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और हो गया है लंच टाइम। तो कल शाम को मैंने मतलब डिनर में बनाई थी कटहल की सब्जी, तो वो सब्जी भी रख दी थी मैंने फ्रिज में बची हुई, तो मैं उसी के साथ में अपने लिए 2-3 पराठे बनाऊंगी और मैं आज वही खाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कटहल की सब्जी के साथ में पराठे खाना अच्छा लगता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं फटाफट से 2-3 पराठे बनाऊंगी सिर्फ अपने लिए। तो घर पे मैं अकेले ही हूँ, तो इसलिए अथर को मुझे साथ ही साथ रखना पड़ रहा है, इसको मैं अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। और ये इधर बर्तनों के साथ में खेल रहा है, सब चीज़ें नीचे फेंक रहा, उतनी देर में मेरे पराठे भी बन गए हैं और मैं आ गई अपना जो लंच है वो लेके इधर रूम में। अब यहाँ हम दोनों बैठ के खाएंगे। तो लंच करने के बाद हम इधर थोड़ी देर टीवी भी देखे, इसी तरह से टाइम पास कर रहे थे, नींद तो आई नहीं तो हम सोए नहीं। और अभी मैं आ गई इधर रूम में, ये बिस्तर थोड़ा सा सही कर देती हूँ, और टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेडशीट सही कर देती हूँ और पिलो वगैरह सही से रख देती हूँ। तो अभी कुछ ज़्यादा काम वाम तो है नहीं, बस यही थोड़ी बहुत क्लीनिंग यही सब है, और खाना वाना लंच कुछ बनाना वनाना था नहीं मुझे, तो बिल्कुल काम नहीं है, बस अथर को ही संभालना है। और यहाँ पे बिस्तर भी सही कर दिया है, अभी थोड़ा सा नीचे सामान कुछ अथर ने बिखरा रखा है, क्योंकि उसको मैंने नीचे बिठा रखा, तो ये यहाँ पे खेल रहा, तो यहाँ पे ये चीज़ें बिखरा रहा, तो इनको भी अभी रख देती हूँ। और ये मशीन पे कुछ सामान बिखरा हुआ पड़ा तो उसको भी रख देती हूँ। तो यही सब है, जो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दो तो फिर अच्छा लगने लगता है, अगर सारा कुछ फैला फैला पड़ा रहता है, बिखरा रहता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता रूम में। तो अभी सब हो गया है, अभी अथर को लेके मैं इधर वाले रूम में जा रही हूँ और उधर ही इसको टीवी वगैरह हम दोनों देखेंगे। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम का समय हो गया है, टाइम हो रहा है 4 बजने वाला है। तो आज दिन में हम लोग सोए नहीं, सुबह भी लेट हो गए थे और रात में काफ़ी लेट सोए थे, 1 बजे के आसपास, तो ऐसे ही टाइम निकल रहा है। तो मतलब कि अभी हम लोग, मैं उधर बिस्तर बिस्तर सही करके आ गई हूँ, इस साइड हम लोग टीवी देख रहे हैं बैठ के। तो आज का सारा दिन ऐसे ही निकला, शाम को मैंने जो कटहल की सब्जी बनाई थी तो उसी के साथ मैंने आज बस पराठे बना के खाए थे, सुबह में कॉफ़ी पी थी, तो कुछ बनाया बनाया तो है नहीं, तो ब्लॉग तो बस यही था, और कुछ तो आज किया नहीं।
तो थोड़ा बहुत बस काम था। और चलिए तो इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। ऐसा रहा आज का हमारा दिन। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ हाँ आप लिप लिप वाला कर दे। टाटा सी टाटा।